नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़ा गया बदमाश गौ तस्करी के साथ ही एनसीआर में लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। बीते दिनों बदमाश ने नोएडा से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। नोएडा में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश सद्दाम है और हापुड़ जिले का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सद्दाम गौ तस्करी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पुलिस रूटीन चेकिंग अभियान चलाए हुए थी, तभी पुलिस को एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार तीव्र गति से मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए क्रॉस फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गया। पुलिस ने दौड़कर घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान सद्दाम के रूप में हुई है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश गौ तस्करी के साथ साथ एनसीआर में लूट जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाया करता था। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जबकि इसके बाकी आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। किस तरीके बदमाश था, क्या कुछ मामला है? ये सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में जब सुबह चेकिंग की जा रही थी तो NIB चौकी के पास एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, तो पुलिस को देख के भागने लगा। पीछा करने पे उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जब अभी फायरिंग में घायल हुआ है। ये ज्ञात हुआ है जिसका नाम सद्दाम है, जो मुख्य रूप से हापुड़ का रहने वाला है, लेकिन इस समय दिल्ली में रह रहा है। और ये गौ का शहा है और मोबाइल स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग के इसका इतिहास है। लगभग 15 इसके अभियोग ज्ञात है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ से एक मोबाइल लूटा गया था, वो भी इसके पास से बरामद हुआ है। एक तमंचा बरामद हुआ है, एक तोहफा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, ये भी चोरी हुई है। अन्य इसके जो आपराधिक इतिहास है उनकी भी जानकारी दी है। सर, हमारे यहाँ कितनी घटनाओं को अंजाम दिया और कहाँ कहाँ से ये? यहाँ हमारे यहाँ 3 से 4 घटनाएं भी ज्ञात हुई हैं और अन्य थाना क्षेत्रों से इसकी जानकारी दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।